सुपर ओवर हो रहा है जनाब, उस्ताद जहीर कालिया बा मुकाबला सैयद नासिर, क्या होगा जनाब क्या होगा? Here we go, पहला बॉल दाता की नगरी के शहजादे उस्ताद जहीर कालिया गेंद करेंगे, सामने करेंगे सैयद नासिर फखरे नॉर्थ कराची, 3 छक्के इन्होंने पहले मैच में लगाए थे इनको। Here we go, उस्ताद जहीर कालिया दौड़ना शुरू किया, दौड़ते लाए पहला बॉल, एक रन आ गया, गेंद करने के लिए तैयार, सामने करेंगे सैयद नासिर, उस्ताद जहीर कालिया रोना शुरू किया दौड़ते हुए आए, वाइड बॉल, एक बॉल पे 2 रन आ गए जनाब, मेला लूट लिया है। Here we go, उस्ताद जहीर कालिया गेंद करने के लिए तैयार आए, चेंज ऑफ पेस, एक रन मिलेगा, एक बॉल पे 3 रन आ चुके हैं। Here we go, क्या बात है, ये है बाबा का ब्रांड। उस्ताद जहीर कालिया गेंद करने के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया आए, वाइड बॉल, उस्ताद जहीर कालिया बिग ब्रांड बाबा अपने स्पेल का 3रा बॉल करेंगे, दौड़ना शुरू किया दौड़ते हुए आए, बेहतरीन बॉल, चौका हो गया है, एक रन बना, कुछ नहीं हुआ, चार रन हो गए जनाब, 4 रन हो गए। अब मैं आपको दिखाऊं कि बाउंड्री से ही अंदर लोग हैं, इसके पीछे बाउंड्री है, गेंद को ऊपर से फेंकना पड़ रहा है जनाब, क्राउड अंदर बैठा हुआ है जनाब, सुपर ओवर चल रहा है, इधर भी देखें आप, तीन बॉलों पे रन आ चुके हैं आठ। Here we go, उस्ताद जहीर कालिया गेंद करेंगे राहिल को, शॉट, 4 रन होंगे, एक रन मिलेगा, ओए ओए ओए, उस्ताद जहीर अगर फौरन मार देते राहिल आउट हो जाते, क्या करेंगे उस्ताद जहीर कालिया को, सामना करेंगे नासिर, जहीर कालिया आए, एक रन, 9 रन आ गए हैं, 10 रन हो गए हैं जनाब, 5 बॉलों पे 5 पे 10 आ गए हैं, आखिरी बॉल पे छक्का लग गया, बॉल बाकी है, 5 बॉलों पे 10 रन आ चुके हैं, सुपर ओवर की आखिरी बॉल बाकी है, उस्ताद जहीर कालिया गेंद करेंगे सैयद नासिर को, हियर वी गो, उस्ताद आए, फुल टॉस बॉल, डॉट हो गया है, 1 रन मिलेगा, 12 रन का टारगेट है, अब ये चेस करने आएंगे मुजम्मिल कामुकी, तैमूर मिर्जा, अशरफ पठान, नहीं वाले नहीं, इधर भाई टारगेट चेस होगा, बॉलिंग साइड के साथ कौन है, रात के 3:10, 3:10 ये क्राउड देखें आप, क्राउड का जोश देखें, पीछे देखें उस तरफ, इधर देखें जनाब, ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त इतना बड़ा टाकरा देखने के लिए मौजूद हैं, सहरी का भी टाइम होने वाला है, 3:10 हो रहे हैं, सुपर ओवर है, दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल अब कल होगा, अगर इसी तरह क्राउड आया तो जनाब ये तो सेमीफाइनल और फाइनल 1 हफ्ते भी चल सकता है, इनको संभाल नहीं सकते, ये है वो कराची की रौनक, ये है वो कराची का मेला, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार, उस्ताद तैमूर मिर्जा और अशरफ पठान ये आ रहे हैं चेस करने के लिए, तैमूर और मुजम्मिल कामुकी, तैमूर भाई और मुजम्मिल कामुकी आ रहे हैं चेस करने के लिए, और करंगी स्पोर्ट्स की बॉलिंग लाइन में मशवरा जारी है जनाब के कौन सुहेल करेंगे जनाब ओवर, अब देखना पड़ेगा कौन करेगा ओवर, 12 रन का टारगेट है, 2 विकेट गिरानी है यहाँ पे बॉलर को, 2 विकेट गिरानी है मैच जीतने के लिए, 12 रन सेव करने हैं, और यहाँ पर TM भाई को जिस चीज के लिए वो मशहूर है, प्रेशर प्लेयर, और 2 छक्के लगाने हैं, 36 इनका माशाल्लाह से बाजू है, 38 इनकी कमर है, फुल दोनों बल्लेबाजी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिस्पा, 36 का बाजू निकल गया, कमर बोलना चाह रहा था भाई, गलती, 16 का बाजू है, तैमूर मिर्जा इस वक्त अपनी टीम ZT स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TM को, पहला बॉल, 6 रन, गेंद सीमा रेखा पार, कमरा नंबर 104, बुखार 104, क्या बात है, पहली बॉल पे फखरे एशिया, फखरे पाकिस्तान, ब्रांड ऑफ टेप बॉल, बम बम, तैमूर मिर्जा ने गेंद सीमा रेखा पार कर दी है,
पांच बॉले एक छक्का, पांच बॉले एक छक्का। Here we go, here we go. पांच बॉले एक छक्का, आउट होने का खतरा, आउट होने का खतरा। एक रन बन गया है, एक रन बन गया है। चार बॉलों पे पांच रन चाहिए, चार बॉलों पे पांच रन चाहिए। मिडिल नहीं कर पाए, चार बॉले हैं, पांच रन दरकार हैं। एक रन, एक रन, एक रन, एक रन, एक रन, तीन, नो बॉल हो गया है। ओ माय गॉड, नो बॉल हो गया है। ये क्या हो गया जनाब, नो बॉल हो गया है। चार बॉले हैं, तीन रन दरकार हैं। अवेश करनी आए, एक रन, एक रन, एक रन, दो रन चाहिए। तीन बॉलों पे दो रन चाहिए, तीन बॉलों पे दो रन चाहिए। विकेट गिर गई, मैच में मजा आएगा क्योंकि उसके बाद लास्ट विकेट होगी और वो प्रेशर होगा। विकेट लेनी पड़ेगी अवेश करनी को यहाँ पर। Here we go, here we go। बॉलर आए, दो बॉलों पे एक रन, दो बॉलों पे एक रन चाहिए। दो बॉले हैं, एक रन दरकार है। कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। Here we go, here we go। दो बॉले एक रन, एक रन। करंगी स्पोर्ट्स ने फाइनल जीत ली, फाइनल में पहुंच गई है, फाइनल में पहुंच गई है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी सेटी स्पोर्ट्स के प्लेयरों ने और फाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जेटी स्पोर्ट्स फ्रॉम ऑल स्पेक्टेटर्स, फ्रॉम ऑल अस, थैंक यू वेरी मच। इतनी हटना बेटा, हटना जरा, हटना बेटा, ऋतिक हटना। बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि जनाब शहरी का टाइम है। बहुत बहुत मुबारक हो, कोरंगी स्पोर्ट्स ने क्वालिफाई कर लिया है और अब सेमीफाइनल, फाइनल कर होगा। खुर्रम मजीद भाई, कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और आपकी जो फाइनल था, ये हकीकत में फाइनल था, लेकिन कल जो मैच है वो भी बड़ा मैच है। और अगर हाँ बिल्कुल, यही यही लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कोरंगी ने अपने लड़कों पे खेला इतने बड़े सेट के खिलाफ, उनको क्या कहना चाहिए? कोरंगी ने बहुत अच्छा बहुत अच्छी फाइट करी है, लेकिन बैड लक कह सकता हूँ उनके लिए। जीता हुआ मैच हार रहे हैं, जीता हुआ मैच हार रहे हैं। चलें अब कल इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और आपने जो ऐलान करें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, कोरंगी की क्रिकेट को आपने उठाया था, लांडी की क्रिकेट को आप सपोर्ट करने आए हुए हैं, और पंजाब के तमाम प्लेयर्स को रबते में आप रखते हैं। आई लव यू, आई लव यू खुर्रम भाई। और अब जनाब ये वो ट्रॉफियाँ कौन लेके जाए?